मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल को तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल को तलाश कर, मिल जाए तुझे दरिया तो समंदर को तलाश कर। गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, सभी का स्वागत है आज के इस फैबुलस फ्राइडे के वेबिनार में। उम्मीद करता हूं कि सब कुछ सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत ही उत्साहित होंगे, बहुत ही क्यूरियस होंगे और बहुत ही एनर्जी के साथ भरे हुए होंगे आज के इस वेबिनार के लिए। मैं सरबजीत सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आप सभी से पूछना चाहता हूं कि आज जो वेबिनार होने वाला है वो क्यों इतना फैबुलस है, जरा मुझे कोई टेक्स्ट करके बताएगा कि आज के वेबिनार में ऐसी क्या खास बात है। मैं इंतजार कर रहा हूं आपके जवाब का ताकि मुझे पता चले कि आज आपके राहुल रंजन जी का जवाब आया। That's very nice. धमाका, बहुत बढ़िया, बहुत सारे लोगों का जवाब आ रहा है। तो आर यू एक्साइटेड? राजीव कुल्लर जी का भी जवाब आया है। फूलों से भरा जवाब दिया है, मजा आ गया। तो आर यू एक्साइटेड और नॉट? तो आपके एक्साइटमेंट को मैं सुनना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि मैं इसे महसूस करूं और इसको पास ऑन करूं हमारे आज के गेस्ट के साथ, आज के गेस्ट को, ताकि आज जो हमें मिलेगा वो बेहतरीन से बेहतरीन मिलेगा, सबसे बेहतरीन होगा। 26 मई की तारीख है और महीने का आखिरी शुक्रवार है और इस शुक्रवार को बहुत ही फैबुलस बेहतरीन बनाने के लिए आज हमारे साथ वो बेहतरीन गेस्ट आने वाले हैं, जुड़ने वाले हैं। तो एक बार मैं आपको 10 सेकेंड के लिए अनम्यूट का ऑप्शन दूंगा, फिर मैं चाहूंगा ये देखना कि आपकी एक्साइटमेंट कितनी है। तो ये अनम्यूट हो चुका है। जय सर्वश्री, हर घर का इच्छा, सभी मिल के आगे बढ़ेंगे दोस्तों। जय सर्वश्री, जय सर्वश्री, जय सर्वश्री। क्या बात है, क्या बात है, बेहतरीन, मजा आ गया। तो चलिए, अब वक्त हो चला है कि आज हम अपने चीफ गेस्ट को यहाँ पर बुला लें और उनके गोल्डन वर्ड्स, उनके बेहतरीन शब्दों को हम सुन पाए और अपनी यात्रा को और बेहतरीन बना पाए इस SHPL में। राइट, SHPL सिर्फ एक कंपनी नहीं है, एक फैमिली है और आप सभी के परिवार, आज सभी के परिवार का मुखिया आज हमारे साथ सम्मुख होने वाले हैं और हमें बहुत सारी चीजें बताने वाले हैं कि इस महीने क्या गुजरा और इस महीने के बाद हम क्या क्या करने वाले हैं और आने वाले जून में क्या धमाका होने वाला है। राइट, तो लग गई आग मेरे घर में तो बचा ही क्या है, और बच गया मैं तो समझो जला ही क्या है। लग गई मैं आग मेरे घर में तो बचा ही गया क्या है, और बच गया मैं तो समझो तो जला ही क्या है, और अपनी मेहनत का नतीजा है मुकद्दर अपना, अपनी मेहनत का नतीजा है मुकद्दर अपना, वरना हाथों की लकीरों में रखा ही क्या है। दोस्तों, मेहनत का कोई साइड नहीं है, मेहनत का कोई विकल्प नहीं है और आज जो हमारे
सीएमडी सर आने वाले हैं, उनसे ज्यादा मेहनती इंसान, उनसे ज्यादा एनर्जेटिक इंसान मैंने आज तक जिंदगी में नहीं देखा है। दिन रात आप रात को 2 बजे देखे उनके पोस्ट दिखाई देते हैं, सुबह 6 बजे उठे उनके पोस्ट दिखाई देते हैं, मुझे नहीं पता वो कब सोते हैं, और इतनी इतनी ट्रैवलिंग, इतना डीप में जाकर के काम करते हैं कि उनके काम करने के अंदाज से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। दोस्तों आज जो हमारे साथ उपलब्ध है, आज जो हमारे साथ उपस्थित है, और आज हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं, हो जाइए तैयार। 40 मिनट, मात्र 40 मिनट आपको देने हैं, और इस 40 मिनट में आपकी जिंदगी बदलने वाली है। तो दोस्तों देर नहीं करते हैं, और आपकी जोरदार तालियों के बीच में स्वागत करते हैं हमारे मोस्ट विजनरी पर्सन, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की हिस्ट्री में मोस्ट विजनरी पर्सन, मिस्टर गोपाल कुंडू सर का। प्लीज हेल्प मी वेलकम आवर चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर गोपाल कुंडू सर का। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे गोपाल सर का। गोपाल सर मेरे ख्याल से यहाँ पर है और बहुत जल्दी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। वेलकम टू यू सर, गुड इवनिंग। जी आई होप मुझे सुनाई दे रहा है सबको। बिल्कुल बिल्कुल सर, आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है, हम सुन सकते हैं। सो शुरू करते हैं। यस सर। गुड इवनिंग एवरीबॉडी, आई होप के सभी लोगों को मेरा बात सुनाई दे रहा है, मेरी आवाज आप तक पहुंच रहे हैं। दोस्तों सभी लोग एक साथ मिलके SHPL के जर्नी शुरू किए, ना केवल शुरू किए, एक साथ हम अपने सपने को पूरा करने के लिए नए रास्ते पे चल पड़े। दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के साथ हम काम कर रहे हैं, और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अनुभव हमें सबको है, लेकिन इस इंडस्ट्री के अंदर दो ही चीज चाहिए, एक है कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास, दूसरा क्या है, एक हमें एक ऐसा कंपनी चाहिए जिस कंपनी के साथ हम अपने विश्वास को दिखा के आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों काफी लोग अभी नया ज्वाइन किए, और काफी लोग साल भर, 2 साल भर से SHPL के साथ काम कर रहे हैं, और जो भी लोग काम कर रहे हैं सभी लोग अपने कमिटमेंट को पूरा करके एक ही साथ आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों जब एक साथ कोई ग्रुप काम करते हैं तो कुछ लक्ष्य रहता है, कुछ उद्देश्य रहता है, और जब लक्ष्य और उद्देश्य रहता है तभी जीवन में आदमी आगे बढ़ पाता है और उनको सक्सेस मिल सकता है। दोस्तों ये इंडस्ट्री एक ऐसा इंडस्ट्री है, इस इंडस्ट्री सिर्फ केवल अपने सपने नहीं, अपने से जुड़े हुए लोगों को सपना पूरा कर सकते हैं, और मुझे जितना पता है कि इस इंडस्ट्री के अंदर वही लोग आते हैं जिसके हाथों में सपना है और जीवन में कुछ करने का इच्छा है। दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हमें सिर्फ एक ही पता है कि कोई एक कंपनी के अंदर मुझे मेंबरशिप लेना है, और उसके बाद अपने जो भी प्रोडक्ट चाहिए वो प्रोडक्ट हमें खरीदारी करना है, और लोगों के अंदर इस व्यापार को लेकर जाना है, लोगों को समझाना है, लोगों को प्रोडक्ट को लेकर बात करना है, लोगों को इस व्यापार के साथ जुड़ना है। दोस्तों यस, आपको सही पता है कि कोई कंपनी में आपको जुड़ना है, उस कंपनी के बारे में आपको जानना है, उस कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में आपको जानना है, उस कंपनी का प्लान के बारे में आपको जानना है, और वो प्लान लेके लोगों के पास जाना है, और उस प्रोडक्ट को लेके लोगों के पास जाना है, सेमिनार अटेंड करना है, मीटिंग अटेंड करना है, धीरे धीरे व्यापार बढ़ा होगा, ये कॉमन वर्ड हो गया। क्या इंडस्ट्री इतने में हो जाता है, क्या लोगों को जो सक्सेस मिलता है, ये लोग सिर्फ इतना ही काम करके लोगों को सक्सेस मिलता है? दोस्तों इस इंडस्ट्री के हर जो समय आता है, इस समय में आपको सीखना पड़ता है, और एक समय के अंदर आपको जानना पड़ता है, और आपके जीवन के अंदर काफी सारे चुनौती भी आता है, उस चुनौती को आपको एक्सेप्ट करना पड़ता है। हमने इस व्यापार को जब शुरुआत की थी तब से लेके काफी सारे चुनौती आए, और आज हम इस कंपनी जो सर्वसेल्स प्राइवेट लिमिटेड को जाना जा रहा है, लास्ट 20 मई को हमने अपने कंपनी को डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर 5 साल पूरा किया। लास्ट 20 मई को हम लोगों ने इस कंपनी को 5 ईयर्स पूरा किया डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर, और आज हम यही कंपनी, सेम कंपनी को हम 10 साल पूरा कर लिए। 10 साल डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में खड़े रहना और कोई भी व्यापार के अंदर खड़े रहना इतना इजी नहीं है। दोस्तों हमने जिस कंपनी के साथ व्यापार शुरू किए थे, पहला जो 4 साल था ये हम लोगों ने ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर काम किए थे, फिर उसके बाद हम लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आए, ये तो सबको पता है। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हम लोगों ने एक लक्ष्य लेकर आए, और हम लोग का जो टारगेट था top 5 कंपनी बनना, और top 5 कंपनी के लिए बनने के लिए हमें काफी कुछ करना पड़ रहा है, और आने वाले दिन के अंदर भी करना पड़ेंगे, और उसके प्रति हम लोग काम कर रहे हैं। लोग अपने से जुड़ रहे, बहुत अच्छे अच्छे लोग जुड़ रहे हैं, सिस्टम को डे बाय डे हम लोग डेवलपमेंट कर रहे हैं, और हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, तेजी गति से आगे बढ़ रहे हैं। सिर्फ एक ही है, सामने एक हम लोगों ने लक्ष्य को बना लिया।
दोस्तों मैं आज आप लोगों का शेयर करना चाह रहा हूँ, क्योंकि 2013 में जिस कंपनी का फॉर्मेशन हुआ था, 2023 में आपके सामने खड़े रहे, और इस खड़े रहने के समय हम लोगों के पास काफी चैलेंज आए, और मुझे लग रहा है कि ये डायरेक्टली इंडस्ट्री एक ऐसा व्यापार है जिस व्यापार के अंदर आपको खड़े रहना बहुत जरूरी है, और आपके जीवन के अंदर अगर सक्सेस पाना है तो आपको खड़े रहना, डटे रहना बहुत जरूरी है। सो मैं स्क्रीन शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। आई थिंक स्क्रीन आपके सामने है सरजीत पाजी जी, दिख रहा है सर? बिल्कुल दिख रहा है। दिख रहा है ना जी? जी जी बिल्कुल दिख रहा है सर। अच्छा दिख रहा है, फाइन। पाजी स्क्रीन में क्या दिख रहा है? फैबुलस फ्राइडे 8 PM फ्राइडे, योर पिक्चर। फैबुलस फ्राइडे, क्या ये फ्राइडे आज फैबुलस होने वाला है? एब्सोल्युटली सर, फैबुलस से बढ़कर। हम लोग जो फ्राइडे को जो प्रोग्राम करते हैं, हम लोग फ्राइडे को फैबुलस बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये फैबुलस फ्राइडे सिर्फ एक स्पीकर से, कोई भी अगर एक स्पीकर आता है इसको फैबुलस बना नहीं सकते। जब हम सब लोग मिलके इसको सही मायने के रूप देते हैं तो बाय डिफॉल्ट ये फैबुलस फ्राइडे बन जाते हैं। सो दोस्तों आज फ्राइडे का मीटिंग है। अभी सभी लोग जो भी फेसबुक में आप लोग मेरा शेड्यूल देख रहे हो, कंटिन्यू बाहर हो, और इत्तेफाक से आज कलकत्ता में हूँ और कल भी सुबह का फ्लाइट है, मैं बाहर निकल रहा हूँ। तो लाइफ के अंदर एक टारगेट है, लाइफ के अंदर एक गोल है, उस गोल के कारण के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ जो आज के तारीख में जो ये जो फ्राइडे है, फ्राइडे को फैबुलस बनाने के लिए ऊपर में कैप्शन है, चलो दिल्ली चलो तालगढ़। हाँ दोस्तों, आप सभी लोगों को ये पता है कि हम लोगों ने 5th एनिवर्सरी कंप्लीट कर चुके हैं, और ये 5th एनिवर्सरी को हम लोग मनाने के लिए 10 जून सभी लोग एक साथ तालखटरों में इकट्ठा हो रहा है। जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं, जितने भी लोग हमें जान रहे हैं, जितने भी लोग आज इस वेबिनार में, आप लोगों को रेस्पॉन्सिबिलिटी बनता है तालखटरों में आना, और आपके साथ 10-10 लोगों को इस व्यापार के लिए तालखटरों स्टडी में आपको लाना पड़ेंगे। दोस्तों मैं अभी बात करूंगा कि ये 10 साल इस कंपनी 2013 में फॉर्मेशन हुआ था, आज 2023 है, 10 साल में हम लोग पैर रख चुके हैं कंपनी का, अगर एग्जिस्टिंग बात करेंगे, और ये 10 साल कंपनी खुल के खड़े रहना इतना इजी नहीं है, और इस 10 साल हमने कुछ सोच लेके मेहनत किया। आज इस 10 साल के लिए 10 पॉइंट लेके आप लोगों के साथ बात करना चाहता हूं, और ये 10 पॉइंट आपके जिंदगी के अंदर परिवर्तन लेकर आएंगे। अगर ये 10 पॉइंट आप अपने जिंदगी में ठान लोगे तो आप भी SHPL के साथ 10 साल खड़ा रह सकते हो, और 10 साल खड़े हो गए ना केवल सिर्फ आपके सपने को पूरा कर पाओगे, आपके साथ जुड़े हुए लोगों का भी सपना पूरा कर सकते हो। सो दोस्तों पेन क्यू टू सक्सेस, आज सक्सेस के बारे में बात करेंगे, और इसको लेके आज का मीटिंग हम लोग शुरू करेंगे। सो फाइन, पहला जो पॉइंट है, परसिस्ट व्हेन अदर क्विट। आप कोई एक व्यापार में ज्वाइन कर रहे हो, व्यापार के साथ आप लोग जुड़ रहे हैं, क्योंकि कंपनी क्या बोल रहा है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री क्या बोल रहा है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का जो बिजनेस का प्लान है, आप व्यापार के अंदर जुड़ रहे हो और कुछ लोगों को आप इस व्यापार के अंदर जोड़ रहे हो। कभी कभी जीवन के अंदर ऐसे होता है कि आप इस व्यापार में जुड़ गए, और जुड़ने के बाद तुरंत ही 2 या 4 लोग आपके साथ जुड़ जाते हैं, और 2-4 लोग 2-3 महीना करके आपके व्यापार में आपके साथ चढ़ के चले जाते हैं। So, इस व्यापार के अंदर लोग जब आपके साथ छोड़ के चले जाते हैं, तब आपके दिमाग में क्या होता है कि शायद ही जिन लोगों को मैंने जुड़ा है और वो लोग मुझे छोड़ के चला गया, तो मैं इस व्यापार को कर नहीं सकता। दोस्तों आप एक चीज ठान लीजिए, इस व्यापार के अंदर जब आप ज्वाइन किए थे, जो पहले 2-4 लोग आपके साथ जुड़े थे, वो 2-4 लोगों का विजन क्लियर नहीं था, और आपने भी आपका जो विजन है, आपका जो मिशन है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर, अपने लोगों को क्लियर कर नहीं पाए। दोस्तों हालांकि हमने भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के साथ जुड़े थे, अपने साथ कुछ लोग जुड़े थे, और उन लोग भी सड़क में छोड़ के चले गए थे, लेकिन हमने इस व्यापार के अंदर खड़ा रहा और ये क्लियर किया क्यों लोग हमें क्विट कर रहे हैं। सो व्हेन अदर क्विट, तो आपको बिजनेस के अंदर खड़ा रहना चाहिए, और उस समय आपको ये क्लियर होना चाहिए कि क्यों लोग आपको छोड़ के जा रहा है, अर्थात आपके प्रति वर्क करना चाहिए। आपको दिमाग में ये चीज रहना चाहिए, जो पेपर मैं कर रहा हूं वही पेपर से कोई 1000 कमा रहा है, कोई लाखों कमा रहा है, कोई करोड़ कमा रहा है, और जिस व्यापार के अंदर रोज लाख लाख लोग जुड़ रहे हैं, सो उस व्यापार के अंदर मुझे अगर कोई छोड़ के जा रहा है तो मेरे अंदर कमी है। सो हमने भी इस चीज के ऊपर काम किया, जब हम लोगों ने SHPL व्यापार के साथ ज्वाइन किए थे, SHPL व्यापार को हमने शुरू किए थे, कुछ लोग अपने साथ आए, कुछ लोग चले गए, लेकिन हमने ये सोचा था क्यों लोग आए थे और क्यों चले गया था, और हमें खड़े रहने इस व्यापार को पूरा करने के लिए। सेट गोल वाइड अदर ड्रिफ्ट,
दोस्तों आज इस प्लान के अंदर, आज अब इस पेपर के अंदर करेंगे, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आज आपके साथ इस कंपनी में रहेंगे, कल दूसरे कंपनी में चले जाएंगे, जिसका जीवन के अंदर कोई गोल फिक्स नहीं, जीवन के अंदर कोई लक्ष्य नहीं है, लोग इधर उधर करते रहेंगे। आप इस व्यापार जब कर रहे हो डायरेक्शन इंडस्ट्री के अंदर, आपको कुछ लोग जीवन के अंदर ऐसे मिल जाएंगे जिसके लिए लोगों के लाइफ के अंदर उद्देश्य क्या है उसको पता नहीं है। सो आपके जीवन के अंदर आपके उद्देश्य फिक्स होना चाहिए। जैसे हम लोगों ने 2018-20 में को इस व्यापार को शुरुआत किए थे, हम लोगों ने एक गोल बनाया था कि 2025 के अंदर हमें टॉप 5 लेवल में पहुंचना है और हमें काम करते जाना है, काम करते जाना है। और इस समय कुछ लोग आए, कुछ कर रहे थे, कुछ छोड़ के जा रहे थे, कुछ लोग इधर उधर कर रहे थे, लोग कुछ हमें बोल रहे थे ये कर लो सर, वो कर लो, प्लान चेंज कर लो, ये कर लो, मतलब वो उनके जीवन के अंदर कोई गोल फिक्स नहीं है, उसके जीवन के अंदर सिर्फ इधर उधर करना, भटकना रहता, तो आपको भी भटकने के लिए मजबूर कर देते। लेकिन इस समय आपको आपका लक्ष्य को और आपके जो गोल है उसको फिक्स करना है। बिलीव व्हेन अदर डाउट। दोस्तों इस व्यापार के अंदर जब आप बिजनेस को जब शुरुआत करते हो, पहले 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना आप जब व्यापार में करते हो, जब कभी आपके साथ लोग जुड़ते हैं, लोग नहीं जुड़ते, लोग जुड़ते हैं लेकिन प्रोडक्ट मूविंग नहीं हो रहा है, क्या होता है कि जीवन के अंदर आपके समय कुछ ऐसा आ जाता है, लोग आपको डाउट करना शुरू करते हैं कि आप प्लान दिखा सकते हो, क्या आप प्रोडक्ट के बारे में बात कर सकते हो, क्या आप कर सकते हो। इस समय आपके आजू बाजू में जितने सारे लोग रहते हैं, लोग आपको प्रभावित करते हैं कि शायद ही आपने सही डिसीजन ले लिया, शायद ही आपको इस व्यापार के अंदर करियर नहीं होगा, शायद ही आपसे कुछ हो नहीं पाएंगे। सो काफी सारे ऑब्स्टेकल आते हैं। सो इस समय आपको खुद के ऊपर बिलीव करना चाहिए कि आपने जो व्यापार के साथ ज्वाइन किया, आपने जो सिस्टम के साथ ज्वाइन किया, आपने जो अपलाइन के साथ ज्वाइन किया, आपने एक सही डिसीजन लिया। दोस्तों मैं ये बोलना चाह रहा हूं, कभी भी किसी भी की बात में आके आप खुद के ऊपर डाउट मत करो, क्योंकि दूसरे के ऊपर डाउट कर सकते हैं, लेकिन आपको आपके जो कॉन्फिडेंस है, आपका जो व्यापार है, आपका जो डिसीजन था, उसके ऊपर आपको बिलीव फैक्टर होना जरूरी है। दोस्तों जब इस व्यापार को हम लोगों ने 2018-20 में को शुरुआत किए थे, काफी लोगों ने हमें डिस्टर्ब किए थे, काफी लोगों ने हमें ऐसे उत्साहित किए थे, इवन फैक्ट अपने घर के भी लोग थे, अपने रिलेटिव के आपके लोग थे, अपने ऑफिस स्टाफ लोग थे, जिसको अपने पति जो बिलीव है, ये बिलीव जो है ये जा रहा था। लेकिन हमने ये निर्णय किया था, क्या ये व्यापार, जिस व्यापार के अंदर हमने ज्वाइन किए थे, इस व्यापार के प्रति हमें कॉन्फिडेंस है, हम इस व्यापार को कर सकते हैं। कभी भी डाउट, लोगों को डाउट अपने अंदर नहीं आए। आज आप इस व्यापार के साथ जुड़ो, शायद 2 महीने में 3 महीने में 4 महीने में 6 महीने में 1 साल के अंदर भी अगर आपको कुछ नहीं हो रहा है, सो आप डाउट मत कीजिए, सिर्फ आप ये सोच लीजिए आपको और भी काम करना है, और भी पोस्टपोनिंग करना है, और भी ज्वाइनिंग लगाना है, और भी लोगों के साथ प्रोडक्ट लेकर आपको शेयरिंग करना है। सो आपको ये बिलीव फैक्टर है कि कोई ना कोई दिन अगर आप सही हो, अगर आपकी कंपनी सही है, आपके कंपनी के प्रोडक्ट सही है, आपके कंपनी के प्लान सही है, अगर आपके कंपनी के सिस्टम सही है, कभी ना कभी आपका बिजनेस के अंदर ग्रोथ होगा और आपको सक्सेस मिलेगी। Begin when other procrastinate। आपके पास जीवन के अंदर एक ऐसा ऑप्शन आएंगे जहां पे लोग क्या करेंगे, लोग आपको डिले करना शुरू करेंगे। सो प्रोक्रेस्टिनेट एक ऐसा चीज है, आप किसी को प्लान दिखाए, लोगों को प्लान पसंद आ गया, लोग आपको बोल रहे हैं आज ज्वाइन करेंगे, कल ज्वाइन करेंगे, लोग आपके से जुड़ गए, जुड़ने के बाद बोलेंगे मैं कल व्यापार को शुरू कर रहा हूं, परसों व्यापार को शुरू करूंगा। किसी अपलाइन को आपको जरूरत है, अपलाइन बोल रहा है मैं आपको समय दे रहा हूं, किसी प्रोडक्ट ट्रेनर को आपको जरूरत है, आपको प्रोडक्ट ट्रेनर बोल रहा है मैं आपको समय दे रहा हूं। सो आपके जीवन के अंदर ऐसा समय आएंगे जब आपके व्यापार दूसरे के लिए डिले हो सकते हैं, व्हाइल अदर प्रोक्रेस्टिनेट, तब आपको खुद को शुरू करना पड़ेगा। अर्थात ये जो व्यापार है, ये व्यापार आप किसी के लिए डिपेंडेबल नहीं हो सकते हो। मुझे आज भी वो दिन याद है, 2018 में जब इस व्यापार को शुरुआत किए थे, तब अपने पास अच्छे प्रोडक्ट ट्रेनर नहीं था, आज प्लान दिखाने के लिए अच्छे कोई बंदा नहीं था, ऑफिस के अंदर कोई अच्छे स्टाफ नहीं था, लेकिन हम लोगों ने शुरुआत कर दिए थे और हमें उम्मीद थी ये काम हम कर सकते हैं। और जब हम लोगों के ऊपर डिपेंडेबल नहीं करके खुद शुरू कर दिए थे, तब अच्छे अच्छे लोग अपने साथ जुड़ना शुरू कर दिए। While other procrastinate, आपको लोग जब डिले करेंगे, तब आपको रुकना नहीं चाहिए, आपको शुरू करना चाहिए। चाहे कोई व्यक्ति आपको बोल दे मैं तेरे साथ ज्वाइन कर रहा हूं, कोई ज्वाइन करने के बाद बोल रहा है मैं तेरे साथ शुरुआत करने के लिए आ रहा हूं, तो आपको किसी के लिए रुकना नहीं है। आप ऑफलाइन से समय ले रहे हो, 10 व्यक्ति को आपको प्लान दिखाना है, आपको किसी के लिए रुकना नहीं है। सो आपको रोज ही शुरुआत करना पड़ेगा। लिसन व्हेन अदर टॉक,
दोस्तों इस इंडस्ट्री में ऐसा होता है कि हम जब किसी को प्लान दिखाने के लिए जाते हैं या किसी सीनियर के साथ बैठते हैं तो हम गलती से गलती काम कर लेते हैं, हम लोगों को सुनना पसंद नहीं करते हैं। अगर आपके जीवन के अंदर आपको सक्सेस चाहिए तो सबसे पहले आपको लोगों को सुनना पड़ेंगे, आपको लोगों को जानना पड़ेंगे, आपको लोगों को समझना पड़ेंगे। आपके अपलाइन क्या बोल रहे हैं, आपके कंपनी क्या बोल रहे हैं, आपके टीम क्या बोल रहा है, आपके सिस्टम क्या बोल रहा है, ये आपको सुनना पड़ेंगे। अर्थात आपके अंदर एक लिसनिंग हैबिट लाना पड़ेंगे। दोस्तों हमने लोगों को सुना, हमने लोगों को जाना, हमने हर मिस्टेक को उसके ऊपर वर्कआउट करके हम आगे बढ़ना शुरू कर दिए। दोस्तों आपको हमेशा स्माइलिंग रहना पड़ेगा। When other is calm, तो that time you become a smile. आपको हमेशा चाहे आपके अंदर कितने दुख ना हो, आपके टीम के अंदर ज्वाइनिंग लग रहा है, नहीं लग रहा है, रैंक मिल रहा है या अचीवमेंट नहीं मिल रहा है, तो जिस समय लोग आपको लेके मजाक कर रहा है या आपको लेके कुछ बात कर रहा है या आपको अंडर एस्टिमेट कर रहा है या आपके जीवन के अंदर चैलेंज आ रहा है, उस समय आपको हमेशा स्माइलिंग फेज में रहना पड़ेगा। क्योंकि लोग आपको सही बोले या गलत बोले, आपको लिसनिंग मूड में रहना पड़ेंगे, लोगों को समझना पड़ेंगे। लोगों जितना भी आपको अंडर एस्टिमेट करे, आपको हंसी खुशी जवाब आपको देना पड़ेंगे, तभी जाके आप जीवन के अंदर आगे बढ़ सकते हो। दोस्तों व्हाइल अदर इज क्रिटिसाइज टू यू, जब लोग क्रिटिसाइज करेंगे तब आपके जीवन के अंदर एक कॉन्फिडेंट ऐसा होना चाहिए कि लोग जहां पे आपको लेके हंसी मजाक कर रहा है, जहां पे आपको ये संभावना लग रहा है कि आपसे कुछ होने वाला नहीं है, उस समय आपको प्रेज एटीट्यूड होना चाहिए, उस समय आपके अंदर ये कॉन्फिडेंट होना चाहिए। आज लोग जो बोल रहे हैं उसका आदर आंसर आपको देना है, आपको परमात्मा के ऊपर विश्वास रहना चाहिए, खुद के ऊपर विश्वास रहना चाहिए। आपको जीवन के अंदर वर्क के साथ ही ये एग्जाम्पल बन सकते हैं। फोकस वाइल अदर आर एमलेस, आपके टीम के अंदर हो सकते हैं, आपके सीनियर के लेवल के अंदर हो सकता है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है, लेकिन आपको इस व्यापार के अंदर फोकस रहना बहुत जरूरी है। अर्थात आपके जो लक्ष्य है ना, उस लक्ष्य के अंदर आपको अटक रहना बहुत जरूरी है। दोस्तों आज जो ये कंपनी का 10 ईयर्स हम लोग जो जर्नी चल रहा है और जिस इस 10 ईयर जर्नी के अंदर हम लोगों ने अपने 5 साल पूरा किया है, आपके अंदर काफी सारे चैलेंज आया था और इस चैलेंज के ऊपर हम लोगों ने वर्क किए थे। ये जो 10 स्टेप है, इस 10 स्टेप के ऊपर हमने वर्क किया, हमने लोगों को सुना, हमने लोगों को जाना, लोगों के ऊपर हम लोगों ने काम किया, लोगों ने हमें क्रिटिसिज्म किया, फिर भी हम लोगों ने खड़ा रहा, एक डिसिप्लिन के साथ खड़े रहा। दोस्तों देखने के लिए 10 पॉइंट है, दसने के लिए देखने के लिए वार्ड आपका जाने पहचाने वार्ड है, लेकिन इसको प्रॉपर अगर आप मेंटेन करते हो तो आप इंडस्ट्री में खड़े रह सकते हो और हर चैलेंज जो आपके जीवन के अंदर चैलेंज से आप निकाल सकते हो। Be bold while others fear. जब लोग डर रहे, कभी ऐसा समय हो सकता है, आपके टीम हो सकता है, सर एक अच्छे लीडर के साथ बैठ गया, सर एक अच्छे लीडर आ रहा है जिसके प्रोडक्ट का नॉलेज ज्यादा, जिसका प्लान का नॉलेज ज्यादा, जिसको इंडस्ट्री का नॉलेज जाना है, सर आज एक बड़े लीडर के साथ बैठना है। आपको बी बोल्ड बनना है, आपको ओवर कॉन्फिडेंट रहना है, कॉन्फिडेंट के साथ उनके साथ खड़े रहना है, उनको सुनना है, उनके साथ आपको स्मार्टली आंसर देना है और आपके टीम के अंदर ये कॉन्फिडेंस दे देना है, कुछ भी हो जाए यार आज तो क्लोज करके छोड़ेंगे। जीवन के अंदर चाहे कोई अच्छे लीडर के साथ मिले, चाहे अच्छे कोई ऐसा स्थिति आए जिस स्थिति के अंदर आपके जीवन के अंदर आपका लीडरशिप आपके साथ जुड़े हुए लोगों को जरूरत पड़ सकता है, इसलिए आपका जो ये जो एटीट्यूड टेप है, ये जो आपका एटीट्यूड है, इस एटीट्यूड के ऊपर वो कॉन्फिडेंस लोगों के अंदर शेयर होना चाहिए। While others pain, दोस्तों इस व्यापार हम लोग जब कर रहे हैं तो इस व्यापार के अंदर काफी सारे चीज हम लोगों को देखा और इस समय हम लोगों ने एक ही चीज सीखा कि आज जीवन के अंदर 2 चीज होता है, 1 is the income, 2nd is the expenditure। आज आपके पास पैसा है, आप कुछ भी खर्चा कर सकते हो, आज आपके पास पैसा है, आप कुछ भी खरीद सकते हो, लेकिन दोस्तों मेरी दोस्त आप दिमाग में एक ही चीज लेके चलना कि आपको आपके फ्यूचर के बारे में,
आपके फ्यूचर के बारे में आपको सोचना है, ऐसा समय के बारे में, अर्थ के बारे में, आपके नॉलेज में, इसको हमेशा सेव करके चलना है, क्योंकि यही सेविंग्स आपको जीवन के अंदर आगे लेकर जाना है। सो दोस्तों, ये जो 10 पॉइंट है, ये 10 पॉइंट हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के साथ काम किए और इस 10 पॉइंट को हम लोग रिटेनिंग कर रहे हैं। आज ये 10 इयर्स के अंदर लाइफ के अंदर काफी सारे चैलेंजेस आता है, इस चैलेंजेस के समय हमें सीखना पड़ता है, हमें जानना पड़ता है और हमें हर एक ऑब्स्टेकल के साथ हमें आगे बढ़ना पड़ता है। राइट दोस्तों, आपको भी करना पड़ेंगे। दोस्तों ये व्यापार हमें सुनाई देता है, इस व्यापार के अंदर बहुत पैसा है। दोस्तों हमें सुनाई देता है, इस व्यापार से हमें बहुत कुछ मिल सकता है, लेकिन इस व्यापार से कुछ भी आपको चाहिए इसको पाने के लिए, इस व्यापार से आपको कुछ भी चाहिए इसको पाने के लिए आपके जीवन के अंदर काफी सारा सैक्रिफाइस करना पड़ता है, आपको काफी सारा सिस्टम के साथ गुजरना पड़ता है। अगर इस सिस्टम के साथ आप गुजरते हो तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। फाइनली मैं आपको एक चीज बोलना चाह रहा हूं, आप जीवन के अंदर कुछ भी करो ना दोस्त, आपके खुद के प्रति कॉन्फिडेंस रहना बहुत जरूरी है। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के साथ आपने जब ज्वाइन किए थे सो आपको पता था कि इसको ज्वाइनिंग करना पड़ेंगे, अगर उस व्यापार के अंदर प्रोडक्ट ही आपका लक्ष्य, आपको पता भी है कि प्रोडक्ट ट्रेडिंग आपको लेना पड़ेंगे। अगर आप प्रोडक्ट लेके काम करो तो प्रोडक्ट लेके लोगों के पास आपको जाना पड़ेंगे। आज व्यापार के साथ काम करो तो आपको मीटिंग ट्रेनिंग में अटेंड करना पड़ेंगे, लोगों को मीटिंग ट्रेनिंग के अंदर आपको अटेंड करवाना पड़ेंगे। दोस्तों आज मैंने जो आप लोगों के साथ ये 10 स्टेप लेके बात की है, इस 10 स्टेप का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको फॉलो करके चलिए। और इस समय आप अगर इस 10 स्टेप के अंदर खुद को अगर कंट्रोल कर सकते तो अगले 10 साल तक आप चाहे कोई भी व्यापार करो आपको कोई हिला नहीं सकता है और आपके सक्सेस को कोई रोक नहीं सकते। आज आप सभी लोगों को पता है कि ये कंपनी के लिए 10th पे कंपनी का जो 5th ईयर का हम लोग सेलिब्रेशन करने के लिए जा रहा है दिल्ली तालकोटरा स्टेडियम के अंदर। और ये जो मई महीना चल रहा है कंपनी का एनिवर्सरी महीना चल रहा है और इस एनिवर्सरी महीने के लिए हम लोगों ने काफी अच्छे ऑफर आप लोगों के लिए डिजाइन किए थे। राइट, आप सभी लोगों को पता है कि आज इस मई महीने के अंदर कंपनी ने एक ऑफर दिया, आप इस व्यापार में जुड़ने के बाद अगर 500 बीबी का कोई भी प्रोडक्ट उठा लेते हो तो आपको 500 रुपया का नोनी एंजाइम ड्रॉप, एक हाईली न्यूट्रिशनल फूड है, ये नोनी एंजाइम है जो प्रोडक्ट कंपनी 500 रुपया का वैल्यू का प्रोडक्ट कंपनी आपको फ्री में दे रहा है। उसके बाद जो सेकंड ऑफर है, अगर 1250 बीबी का अगर प्रोडक्ट खरीदारी आप करते हो तो 1250 का सर्वोफिट एक न्यूट्रिशनल शेक है जो प्रोडक्ट कंपनी आपको दे रहा है। इसके बाद जो डेक्सो कंपनी का ऑफर था, अगर 10,000 बीबी का प्रोडक्ट का कंजम्पशन कर रहे हैं सो कंपनी आपको नोनी एंजाइम भी दे रहा है, सर्वोफिट प्रोडक्ट भी दे रहा है और कंपनी कपिल डिशवॉश भी दे रहा है। ओके, और इसके साथ जितने भी लोग मतलब आप ये 9,999 का जो देख रहे हैं 10,000 बीबी का अगर जो प्रोडक्ट खरीदारी करते हैं तो इस 10,000 प्रोडक्ट के खरीदारी के अंदर कंपनी क्या कर रहे हैं, एक लाकी ड्रॉ करने के लिए जा रहा है। जो लाकी ड्रॉ आपको 10 जून जो तालकोटरा स्टेडियम है वहां पे आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो कंपनी के पास ये बेहतरीन ऑफर है, आप इधर प्रोडक्ट खरीदारी करके प्रोडक्ट को बेच के रिटेल मार्जिन कर सकते हैं। कंपनी का ये लक्ष्य है कि लोग तालकोटरा के अंदर पहुंचे तो उसके पहले लोग रिटेल कुछ प्रॉफिट कर ले, क्योंकि वहां तक पहुंचने के लिए आपके पास ट्रेन का टिकट चाहे फ्लाइट का टिकट का खर्चा हो। इसलिए कंपनी मई महीने में एक ऑफर डिजाइन किए थे जिस मई महीने के लिए कंपनी ने क्या किया, 4 rupees एमआरपी, 1174 एब्सोल्यूट फ्री, ऑल 3 एमआरपी फाइन। तो कंपनी ने क्या किया, कंपनी एक लाख ड्रॉ भी अपने पास रखा है। सो ये जो तीनों जो प्रोडक्ट है, ये तीनों प्रोडक्ट मिलके 11,749 रुपया का प्रोडक्ट आपको फ्री मिल रहा है, सिर्फ ही सिर्फ 10,000 बीबी का प्रोडक्ट परचेस करके। सो दोस्तों उसके साथ आपको मौका मिल रहा है लाख की ड्रॉ के, कंपनी का 5th ईयर एनिवर्सरी है, कंपनी 25,000 रुपया का 5 टैप ऑन द स्पॉट 10 जून को ये लाकी ड्रॉ करेंगे और उनको दिया जाएंगे। सो दोस्तों ये जो ऑफर है, इस ऑफर का फायदा लीजिए, आज 26 है, आपके पास अगले 5 दिन समय है, 5 दिन के अंदर आप ये लो, मतलब इस ऑफर का बेनिफिट लीजिए, क्योंकि ऑफर बार बार नहीं आता, साल भर में एक ऑफर आते हैं, कभी कभी हम लोग ऑफर देते हैं, इस बार ये जो ऑफर है 11,749 रुपया का प्रोडक्ट, आप इधर से इसका बेनिफिट आप ले सकते हो, ये बेहतरीन ऑफर को आप कीजिए।
नेक्स्ट कंपनी ने आपको एक ऑफर दिया है, आप सभी लोगों को पता है। उसके पहले मैं और एक ऑफर आप लोगों को डिक्लेयर करना चाह रहा हूं। आप देख रहे हैं यहाँ पे स्क्रीन के अंदर रैंक है, पहला जो रैंक है डायमंड, उसके बाद है एग्जीक्यूटिव डायमंड, उसके बाद है रॉयल डायमंड, उसके बाद है क्राउन डायमंड। आप सभी लोगों को पता है कि डायमंड बनने के लिए 15,000 BB का व्यापार करना पड़ता है और सेल 300 BB का खरीद रही है। कंपनी बोल रहे अगर 15,000 BB ये अगर लगातार 3 महीना मई जून जुलाई अगर ये 3 महीना अगर आप लगातार 15,000 BB का मेंटेन करते हो, आपका डायमंड रैंक को मेंटेन करते हो, डायमंड रैंक का जो बेनिफिट होगा आपको तो मिल रहा है। चौथा महीना में जाके 1500 रुपया आपको कैशबैक मिल रहा है और 1500 रुपया का MRP का प्रोडक्ट आपको फी मिल रहा था, 3000 रुपया का एक्स्ट्रा मुनाफा आपके पास है। उसके बाद है एग्जीक्यूटिव डायमंड, जहां पे आप देख रहे हैं कि 30,000 BB का अगर आप प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, 30,000 BB का अगर आप प्रोडक्ट अगर 30,000 बिजनेस अगर आप आपके ए ग्रुप में 30,000 BB, बी ग्रुप में 30,000 BB अगर आप मेंटेन करते हो, सो यू आर बिकमिंग एग्जीक्यूटिव डायमंड। और जब आप एग्जीक्यूटिव डायमंड बनते हो तो कंपनी आपको बोल रहा है लगातार अगर 3 बार आप एग्जीक्यूटिव डायमंड मेंटेन कर रहे हो, 3,000 कैश बैक है और 3,000 का प्रोडक्ट आपको कंपनी फ्री दे रहा है। उसके बाद रॉयल डायमंड जहां पे 50,000 का अगर जो मैचिंग अगर कंटिन्यू 3 महीना आप मेंटेन करते हो तो इसमें कंपनी आपको 5,000 रुपया का प्रोडक्ट और 5,000 रुपया का कैश हो रहा था, 10,000 का आपका नफा है। उसके बाद है क्राउन डायमंड रैंक, क्राउन डायमंड रैंक में कंपनी है 75,000 BB ए ग्रुप से, 75,000 BB बी ग्रुप से अगर आप करते हो तो लगातार 3 महीने अगर आप करते हो तो आपको मिलता है 7,500 का कैशबैक और 7,500 का प्रोडक्ट एब्सोल्यूट फी। सो दोस्तों कंपनी आपको बिजनेस को रिटेन करने के लिए और नया डिस्ट्रीब्यूटर को नया रैंक को अचीव करके अगर लगातार अगर आप मेंटेन करते हो तो कंपनी आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी लेकर आपको जो पे आउट मिल रहा है सिस्टम से वो तो आपको मिल ही रहा है। और कंपनी के ये एनिवर्सरी मानता है और एनिवर्सरी मान से कंपनी चाहते है कि अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल तक लेकर जाए, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग की इंडस्ट्री के अंदर कंपनी का अगर 2025 के अंदर टॉप 5 का टारगेट है। सो कंपनी को जाहिर सी बात अपने टर्नओवर को बढ़ाना पड़ेंगे, अपने बिजनेस को बढ़ाना पड़ेंगे। सो दोस्तों कंपनी आपके पास एक महत्वपूर्ण आपके पास ऑफर रखे हैं, जिस ऑफर से आप अपने व्यापार को बड़ा कर सकते हो, जिस व्यापार से आप अपने टारगेट को बड़ा कर सकते हो। सो काफी अच्छे टारगेट कंपनी ने दिया है, आइए मिलके इस टारगेट को बड़ा करते हैं, राइट। सो इसके बाद कंपनी ने एक लाजवाब सभी लोगों को डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जुड़ने के बाद एक टारगेट आता है फॉरेन ट्रिप। हाँ दोस्तों आप सभी लोगों को पता है कि आज जो कंपनी का फॉरेन ट्रिप है ये फंड को कंपनी होल्ड नहीं करता है, हर महीने ये फंड आपके पे आउट के साथ रिलीज कर देता है। लास्ट हम लोगों ने 111 लोगों को लेके बैंकॉक पाटाया घूम के रहा है, इस बार फिर हम लोग एंड ऑफ अगस्त या फर्स्ट वीक ऑफ सेप्टेम्बर को हम लोग दोबारा जा रहा है। करीबन 150 to 200 लोगों को लेकर हम दोबारा बैंकॉक पाटाया घूमने के लिए जा रहे हैं। कंपनी ने एक नया लोगों के लिए एक नया टारगेट दिया, अगर आप 1.5 लाख BB कंसेक्यूटिव 3 महीना करते हो तो कंपनी आपको दे रहा है 4 नाइट 5 डेज का बैंकॉक पाटाया थाईलैंड टूर। नेक्स्ट कंपनी आपको दे रहा है क्राउन एम्बेसडर अगर 2.5 लाख 2.5 लाख करके क्राउन एम्बेसडर अगर 2.5 लाख का मैचिंग अगर लगातार आप 3 महीना करते हो तो कंपनी आपको दे रहा है बैंकॉक पाटाया टूर अर्थात थाईलैंड टूर एब्सोल्युटली फ्री, अर्थात 4 नाइट 5 डेज का आपको थाईलैंड टूर मिल रहा है। हालांकि ये ऑफर पाने के लिए आपको कोई भी एक पार्टिकुलर महीना में 5-5 लाख BB का मैचिंग करना पड़ता है और डबल क्राउन एम्बेसडर रैंक को अचीव करना पड़ता है। लेकिन यहां पे मजा का बात है, इस बार जो थाईलैंड जो आपको टूर मिल रहा है आपके जो लेवल है एग्जीक्यूटिव क्राउन डायमंड का टारगेट लगातार 3 महीना मेंटेन करके, क्राउन एम्बेसडर का जो टारगेट है लगातार 3 महीना मेंटेन करके आप इस टूर को अचीव कर सकते हो। 4 नाइट 5 डेज का ये जो बैंकॉक पाटाया जो टूर रहेंगे अर्थात थाईलैंड का जो टूर रहेंगे, इस थाईलैंड टूर को आप अचीव कर सकते हो और एक नेक्स्ट डेस्टिनेशन आप खुद के लिए बना सकते हो, आपके पासपोर्ट के अंदर एक नया मोड़ लगा सकते हो और आपके जीवन के अंदर इंडिया के बाहर जाके जिन लोगों के लिए ये जीवन के अंदर पहला टारगेट है वो काफी बड़ा अचीवमेंट कर सकते हैं। कंपनी ने काफी अच्छा टारगेट आप लोगों के लिए देकर रखे। सो दोस्तों ये जो कंपनी आपके बारे में सोचा है, कंपनी ने जो के लिए जो अपॉर्चुनिटी रखा है, इसके लिए आप तैयार हो जाओ। और मैं चाह रहा हूं इस महीने के अंदर इस पूल के अंदर इस क्लब के अंदर जो हम लोगों ने टारगेट दिए डायमंड से लेकर क्राउन एम्बेसडर तक, इस महीने के अंदर जो भी आपका टारगेट है इस टारगेट को फुल कीजिए और इस महीने के अंदर लगातार बिजनेस कीजिए, क्योंकि आज 26 है और आपके पास समय है अगले 5 दिन। और मुझे लग रहा है 5 दिन बिजनेस होता है, लास्ट 5 दिन में काफी बढ़िया बिजनेस होता है। आपको माइंडसेट मुझे पता है, आप लोगों ने माइंडसेट कर चुका है क्योंकि आप
लोगों का जो पेपर है मैं देख रहा हूँ, ऑलरेडी लास्ट महीने में कंपनी का जो टर्नओवर हुआ है और टर्नओवर के अंदर 17% का ग्रोथ आज तक हो चुका है और मुझे उम्मीद है बहुत बड़ा करने वाले हो, बहुत कुछ करने वाले हो, लेकिन मैं चाह रहा हूँ इस 5 दिन के अंदर एक रिकॉर्ड ब्रेक कुछ हो जाए, क्योंकि ये रिकॉर्ड आपको इसलिए करना है क्योंकि ये कंपनी का एनिवर्सरी मानते। और दोस्तों आप सभी लोगों को पता है कि 2000 हम लोगों ने जो 25 का जो टारगेट लिया, इस 25 के टारगेट के लिए हम लोग हमेशा अपने तालकटोरा स्टेडियम के बाद लास्ट ईयर भी हम लोगों ने जो प्रोग्राम किया था विजन 2020-2025 का जो कॉन्क्लेव मीटिंग है इसके अंदर वही लोगों को बुलाए जाएंगे जो क्राउन एम्बेसडर रैंक को मेंटेन कर रहा है। दोस्तों आपने सही सुन रहा है, 10 जून जब तालकटोरा स्टेडियम में प्रोग्राम होगा उसके बाद जितने भी क्राउन एम्बेसडर है उस क्राउन एम्बेसडर को रिसीव करने के लिए कंपनी का बासेस वहां पे खड़े रहेंगे और तिवोली गार्डन रिसोर्ट में आप लोगों को लेकर जाएंगे और उस दिन एक ग्रैंड पार्टी रात को दिया जाएंगे और अगले दिन मॉर्निंग को करीबन सुबह से लेकर शाम तक कंपनी 2025 के लिए जो कंपनी का टॉप 5 का टारगेट है उस टारगेट के लिए कंपनी क्या विजन लेकर आ रहा है, कंपनी क्या प्लानिंग लेकर आ रहा है, कंपनी कौन सा चीज के ऊपर काम करना चाह रही है, आपको क्या करना है इसके ऊपर कंपनी काम करेंगे। हाँ दोस्तों आप सही सुन रहे हो, आप SHPL के साथ काम कर रहे हो और SHPL का उद्देश्य ये है कि टॉप लेवल तक आपको लेकर जाए और आपके जो सपने हैं उसको पूरा करे। 210 जून का जब तालकटोरा स्टेडियम के अंदर हम लोगों ने इस बार 5th ईयर एनिवर्सरी 5000 लोगों को टारगेट दिए, जितने भी लोग आज हमें सुन रहे हैं, जितने भी लोग आज हमें जान रहे हैं उस लोगों को आज ये प्रूफ करके दिखाना है कि SHPL के अंदर पावर क्या है। स्पेशली मैं नॉर्थ इंडिया के अंदर, मैं दोबारा बोलो, मैं स्पेशली बोल रहा हूं, स्पेशली नॉर्थ इंडिया के अंदर जितने सारे लोग है, नॉर्थ इंडिया के आजू बाजू में जितने सारे लोग है, दोस्तों आप जितने भी लोग SHPL के साथ दिल से काम करो, SHPL का लक्ष्य को अपने साथ काम चुके हो और जो भी लोग ये 2025 को टॉप 5 में पहुंचने के लिए और टॉप 5 में सिर्फ कंपनी को लेकर नहीं जाएंगे, टॉप 5 के अंदर आपके जो टॉप 5 जो गोल है आपके जीवन के अंदर जो टॉप 5 जो लक्ष्य है इस लक्ष्य को भी कंपनी का लक्ष्य को भी आपको अचीवमेंट करना पड़ेगा। हाँ दोस्तों कंपनी तैयारी कर रहा है, कंपनी अपने गोल बनाए, कंपनी अपने मिशन बनाए, कंपनी आपको विजन बनाए, कंपनी के साथ जुड़े हुए हर एक डायरेक्टर, कंपनी के साथ जुड़े मैनेजमेंट के साथ जुड़े हुए हर एक लोग, इनफैक्ट कंपनी के साथ जुड़े हर एक स्टाफ भी ये कोशिश करे इस व्यापार को उतने ऊंचाई तक लेकर जहां से लोग गर्व फील करें। हाँ दोस्तों हम लोग काम कर रहे हैं आपके लिए, हाँ दोस्तों हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं आपके लिए। आइए दोस्तों 10 जून को एक महत्वपूर्ण दिन मनाता है और 10 जून को डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को यह दिखना चाहिए कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर एक ऐसा कंपनी आ चुका है जो कंपनी आने वाले दिन के अंदर रेवोल्यूशन करेंगे। हाँ दोस्तों आप दोबारा ये चीज को जान लीजिए, जितने भी क्राउन एम्बेसडर 2.5 लाख बीबी का इस महीने में मेंटेन करेंगे उन लोगों को मौका मिल रहा है मैनेजमेंट के साथ तिवोली गार्डन रिसोर्ट में रहते हुए रात को 10 जून को सेलिब्रेट करने का और उसके साथ अगले दिन 2025 का जो कंपनी का तैयारी है उस प्लानिंग के साथ शामिल होने के लिए। दोस्तों 5 दिन काफी है, दोस्तों ये ऑफर आपको कंपनी के पहले दिन ही मिल चुके थे, मैं बोल रहा हूं 5 दिन काफी है और आज से एक नया जुनून के साथ लग जाइए, एक चैलेंज ले लीजिए, चुनौती ले लीजिए, केवल 10 जून को सिर्फ 5000 लोगों को भीड़ पे खड़ा नहीं रहना है, केवल 10 जून को 5000 लोगों को भीड़ में खड़ा नहीं हुआ है, 10 जून को रात को मैनेजमेंट के साथ इस 5th एनिवर्सरी को भी सेलिब्रेशन करना है और कंपनी का जो 2025 तक जो टॉप 5 बनने का जो लक्ष्य है, जो कंपनी फॉर्मूला लोगों को देने वाला है, जो प्लानिंग कंपनी कर रहा है उसके साथ आपको शामिल हो रहा है। दोस्तों ये दिन याद कर लीजिए, 10 जून सैटरडे 2023 ग्रैंड सेलिब्रेशन विद ऑल द सर्विशन। क्या आप इस दिन का पार्ट बनना चाह रहे हो, क्या आप इस दिन का हिस्सा बनना चाह रहे हो? दोस्तों ये कंपनी का 5th ईयर एनिवर्सरी है और कंपनी को टारगेट है 2025 में टॉप 5 बनना है दोस्तों, और ये 5 और 5 मिला के 10 होता है और ये तय है 10 जून को कुछ हम लोग अलग ही करेंगे। सो दोस्तों आपके पास जो टारगेट है, आपके पास जो प्लानिंग है, अगले 5 दिन दिखा दीजिए, खुद को दिखा दीजिए, खुद को टीम को दिखा दीजिए, आपको कुछ अलग ही करना है और आपको कुछ अलग करके दिखाना है। दोस्तों गेम का मजा लास्ट ओवर में ही आता है और आज आपके पास लास्ट दिन के 5 बल्ला बची हुए और इस 5 बल्ले को लेके आपको बहुत बड़ा करके दिखाना है और 10 जून को मैनेजमेंट के साथ स्टेज में खड़े होके
खुद को और खुद के सपने को सेलिब्रेशन करें. सो विश यू ऑल द बेस्ट एंड लव यू ऑल द बेस्ट सर्वश्री. थैंक यू थैंक यू थैंक यू. थैंक यू सर. थैंक यू फॉर सच अ ब्यूटीफुल 10 पॉइंट और उसके बाद ये बेहतरीन ऑफर्स और ये पावर पैक सेशन जिसको सुन करके मजा आ गया. रोम रोम खड़े हो गए और मजेदार सेशन आज के इस फ्राइडे को फैबुलस बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद गोपाल सर आपका बहुत 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 दिल से धन्यवाद. तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको भी बहुत मजा आया होगा गोपाल सर को सुन करके उनकी एनर्जी को अपना करके उनकी एनर्जी को महसूस करके आपको भी लग रहा है होगा ये 5 दिन हम कमाल कर दें. ये जो ऑफर्स है इतने बेहतरीन ऑफर्स है जो आपकी जिंदगी में बहुत कुछ रंग डालने वाले हैं. तो दोस्तों कैसा लगा ये फैबुलस फ्राइडे जल्दी से मुझे बताइए. मैं आपको अनम्यूट करने का मौका दे रहा हूं. अनम्यूट होकर के मुझे बताइए कि आपको ये सेशन बहुत ही कोई और नहीं है जबरदस्त बेहतर कंपनी कोई और. ईमा तेरा लुट गया रहजन के हाथों से. ईमा तेरा लुट गया रहजन के हाथों से. ईमा तेरा बचा ले वो रहबर तलाश कर. तो वो रहबर SHPL है जो आपके बहुत सारे सपने पूरे करने वाला है. दोस्तों बस लग जाइए इन ऑफर्स का जितना फायदा आप उठा सकते हैं उठा लीजिए और अपने सपनों को पूरा कर लीजिए. दोस्तों ये मौका बार बार नहीं मिलेगा. ये आपके लिए बहुत बेहतरीन मौका है. तो मिलते हैं 10 जून को एनिवर्सरी के प्रोग्राम में और ताल कटोरा में ताल ठोक करके बता देंगे कि SHPL नंबर 1 है और SHPL से बेस्ट कंपनी कोई और नहीं है. जय सर्वश्री घर घर सर्वश्री. इसी के साथ आज के दिन यहीं पर आपसे विदा लेते हैं. अपना ख्याल रखिए खुश रहिए मस्त रहिए स्वस्थ रहिए और SHPL के ऑफर्स को जल्दी से जल्दी अचीव कर लीजिए. सिर्फ 5 दिन बचे हैं. इन 5 दिन में अपनी पूरी जी जान लगा दीजिए. तो दोस्तों गुड नाइट टेक केयर शब्बा खैर बाय बाय सायोनारा. फिर मिलेंगे आपको अगले वेबिनार में. थैंक यू.